जय जगन्नाथ बंधुगण, आज आम जाना 29 मार्च 2023 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए, तो आसतु सर्वप्रथमें जाना आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 29 मार्च 2023 बुधवार, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, रात्र 8 घंटा 51 मिनिट गति नवमी। आज आरद्रा नक्षत्र रात्र 8 घंटा 34 मिनिट गति पुनर्वसु नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र ओहोरात्र। आज पर्वोत्सव अशोकाष्टमी और रुकुणा रथयात्रा। आज शुभ बेला प्रात 5 घंटा 47 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 11 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रात 5 घंटा 47 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 56 मिनिट। आज कन्या राशि घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज कर्कट राशि घात बार। आज नड़िया खाइवा निषिद्ध, तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। तापूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआकरी आसछंती तळी थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि घटिबो एवं विरोधी और शत्रु माने परास्त हेबे। समय आपणक पाई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य आपणक सपक्षरे रहिबो, सेथिपाई जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या दूर हेबाकु लागिबो। योजनाबद्ध भावरी करा जाइथवा कार्यरी उत्तम सफलता हासिल करिबी। परिवार संबंधित कोनोसी सुखद समाचार प्राप्ति हेबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिबो। माता पितांक समर्थन एवं मार्गदर्शन द्वारा आपण उपकृत हेबी एवं जीवन साथींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेबो, किंतु परिवारर सुख सुविधारे आपण खर्च करिबी एवं लाइफ पार्टनर का पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र विकास हेब एवं नूतन कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपणक निर्णय नेवा क्षमतार विकास हेब। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्रर जप करंतु, शुभ फल पाइबे। वृष राशि, आज कोनोसी नूतन योजना पाई आर्थिक सहायता मिलिब। जे कोनोसी निवेश पाई समय उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु विशेषज्ञक परामर्शरे निष्पत्ति नियंतु एवं अत्यधिक आत्मविश्वासरु आपण दूरै रहंतु। वाणिज्य व्यवसायरे सर्वोत्तम परिवर्तन करिबे। पारिवारिक जीवन रे भाई भौनीक समर्थन प्राप्ति हेब एवं आपण निज मधुर बाणी द्वारा समस्त को आकर्षित करिबे एवं परिवार रे आपण को एक नूतन परिचय मिलिब। आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा सकारात्मक परिवर्तन को समस्ते प्रशंसा करिबे। परिवार रे समस्तक सहित नम्र व्यवहाररु आपण लाभ एवं मानसिक शांति पाइबे, किंतु आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे विशेष सावधान रहंतु एवं समस्त आर्थिक कारोबार को अति जत्न सहकारे करंतु। दीर्घ दिन धरी थिबा स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हेब। आज आपण गोमाता को खाइबाकु दियंतु, शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि, चंद्रंक ही राशि परिवर्तन आपणक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आनिब। आक्रोशरे ह्रास पाइबा कारणरु सहयोगी मानंक समर्थन प्राप्ति हेब एवं किछि समय धरि चली आसुथुबा समस्यार समाधान हेब। पारिवारिक जीवन रे आपण निज जीवनसाथीक ठारु संपूर्ण समर्थन पाइबे, किंतु जीवनसाथीक भावना को सम्मान देबा उचित। परिवार रे सुख एवं समृद्धता आसीब। संतान मानंक सहित शुभ समय अतिवाहित करिबे। आपणक आचरण समस्त को प्रभावित करिब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। व्यवसायर विस्तार योजना रे आपण खर्च करिबे एवं जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य
दिनर द्वितीयार्धरे करंतु सफलता पाइबे। स्वास्थ्य अवस्थारे चर्म संबंधित रोगरु आपण आराम पाइबे एवं विषाणु जनित रोगरु विशेष सावधान रहंतु। आज आपण तुलसी वृक्षरे जल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आपणंक द्वादश भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक मानसिक अशांति और समस्या उत्पन्न करिब, किंतु नूतन कौशल प्रयोगरु वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे किछि बड़ परिवर्तन आसिब। आपण किछि नूतन तथ्य संग्रह करिबे जहाँ भविष्यत रे आपणंक पई उपयोगी सिद्ध हेब। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी भूल बुझाबणा हेबाकु दियंतु नाही एवं परिवार सदस्यंक सहित भविष्यत संबंधित नूतन योजना प्रस्तुत करी सफलता पाइबे एवं परिवारर सहयोगरु आपण आगकु बढ़िबे एवं किछि नुआ कार्य करिबाकु आपण आग्रह प्रकाश करिबे, किंतु जीवनसाथीक सहित किछि मनमालिन्यर स्थिति रहिब। प्रेम संपर्क को नहीं मध्य आपण सामान्य चिंतित रहिबे एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिछि, किंतु खर्च उपरे नियंत्रणर आवश्यक रहिछि। पूर्वरु लागि रहिथिबा स्वास्थ्य समस्या आपणंकु हैरान करि पारे, एथिपई स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान गणेशंकु दोब अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणंक एकादश भावरे चंद्रदेवंकु गोचर आपणंक जीवन स्तर को उच्च करिब। कार्य क्षेत्र रे नूतन परिवर्तन आपणंक वाणिज्य व्यवसाय को विस्तार करिब एवं आपण निज लक्ष्य को पूर्ण करिबारे सक्षम हेबे तथा आगक बढ़िबार अवसर पाइबे। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक स्थिति मजबूत रहिब एवं परिवार रे सुख समृद्धि आसिब। एहा सहित पितांक समर्थन प्राप्त करिबे। जीवन साथीक सहित वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। प्रेम जीवन पई मध्य समय अत्यंत शुभ रहिछि एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे पूर्वरु बकिया दे जैथिबा टंका फेरस्त होई पारे, सेथिपई आर्थिक स्थिति पुनः सुदृढ़ हेबाकु लागिब। कार्य क्षेत्र रे अधिक परिश्रम एवं गंभीरतार आवश्यक रहिछि, किंतु जीवन साथीको स्वास्थ्य संबंधित समस्यार सामना करिबाकु पड़ी पारे, सेथिपई जीवन साथीको स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आपणंक दशम स्थान रे चंद्रदेवंकु गोचर आपणंक कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आणिब एवं परिस्थिति रे सुधार देखिबाकु मिलिब। आपण समस्त प्रकारर लाभ अर्जन करिबे। पूर्वरु फसि रहिथिबा धन प्राप्तिर जोग रहिछि। पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करिबे एवं आपण कोनोसी नूतन व्यवसाय प्रारंभ करिबाकु योजना करिबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं पितांक आशीर्वादरु आपण समस्त बाधा विघ्न को सफलतार सहित दूर करिबे। प्रेम संपर्क रे प्रसन्नता तथा संतुष्टिर अनुभव करिबे एवं पारिवारिक परिवेश सुखद रहिब। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब, किंतु जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निर्णय पितांक परामर्शरे नियंतु सफलता पाइबे, किंतु रक्तचाप रोग एवं जीवाणु जनित रोगरु आपण विशेष सावधान रहंतु। आज आपण माता लक्ष्मीक उपासना करंतु शुभफल पाइबे। तुला राशि आपणंक भाग्य भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक भाग्यकु वृद्धि करिब एवं आपणंक समस्त कार्य सफलतार सहित समाप्त हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने आशातीत क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिबे एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र रे करा जाइथिबा कार्य को प्रशंसा मिलिब। आर्थिक तथा लेखांकन संबंधित लोक माने सर्वोत्तम लाभ पाइबे। पारिवारिक जीवन रे दूर संपर्क निकटतर हेब एवं परिवार रे समन्वय एवं सहयोगर भावना मजबूत हेब। आपण गृहर अजाई तथा वयोज्येष्ठंक ठारु स्नेह एवं आशीर्वाद पाइबे एवं परिवार सदस्यंक संपूर्ण सहायता मिलिब। भाई भौणींक सहित उत्तम समय अतिवाहित करिबे एवं आर्थिक स्थिति आपणंक सपक्षरे रहिछि। धन अर्जन संबंधित
आपणक प्रयास सार्थक सिद्ध हेबो। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही किंतु माता स्वास्थ्यावस्थार जत्न नियंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति सहायता करंतु शुभफल पाइबे। विचाराशि आपणक अष्टम भाव चंद्रदेव को गोचर आपणक मानसिक चाप सृष्टि करिबो। दैनिक दिनचर्यार अवरोध उत्पन्न हेबो किंतु समय सदुपयोग करी आपण निजर समस्त लक्ष्य को पूरण करिबे एवं निज भविष्यतर मजबूत मूलद्वार रखिबे। पारिवारिक जीवन रे मानसिक चाप कारण आपणक वाणी रे कठोरतार प्रभाव रहिबो एवं जीवनसाथी सहित आपणक संपर्क रे तिक्तता और मनमालिन्यर संभावना रहिछि। सेथिपाई आपणक निज भावना को नियंत्रण करने को पड़ब। निज कार्योजना गुड़िक गोपनीय रखतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र में सुधार आसब। सरकारी एवं प्रबंधन क्षेत्र सहयोग प्राप्ति होब तथा आपणक प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि घटव। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र कार्य प्रगति होब किंतु मानसिक चाप हेतु मुंड एवं आखिरे किसी समस्या देखा दे परे। आज आपण गरीब लोकंक सहायता करंतु शुभफल पाइबे। धनुराशि आपणक सप्तम भाव चंद्रदेव को गोचर आपणक व्यावसायिक सहभागी मानंक ठारु लाभ प्रदान करिब। वाणिज्य व्यवसाय स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं नूतन कार्य योजनार रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। आपण निज साथी मानंकर भावना को सम्मान देबा उचित। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसीब। परस्पर मध्यरे गुरुत्वपूर्ण विषय रे चर्चा करिबे जहाँ जीवन संबंधित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे आपणंकु साहाज्य करिब। प्रेमी मानंक पाई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आपण आर्थिक सहायता पाइबे। कौनसी नूतन उद्योग स्थापन करिवा पाई समय उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु रक्तचाप संबंधित व्याधि प्रति आपणंकु सतर्क रहिबार आवश्यक रहिछि। आज आपण भगवान श्री जगन्नाथंक उपासना करंतु शुभफल पाइबे। मकर राशि आपणक षष्ठ भाव चंद्रदेव को गोचर आपणक शत्रुपक्ष को प्रभावित करिब। आकस्मिक किसी समस्या उत्पन्न हो पारे। विरोधी और शत्रु माने आपणंकु असुविधारे पकाइबाकु चेष्टा करिबे किंतु आपण निज धैर्य तथा योजनाबद्ध भावरे समस्त समस्यार समाधान पाई पारिबे। परिवार रे विशेष करी मातांक स्वास्थ्य प्रति सजग रहिबार आवश्यकता रहिछि। पारिवारिक जीवन सामान्य चापग्रस्त रहिब एवं परिवार रे कौनसी सदस्यंक संबंधित अप्रीतिकर खबर मिलिबार संभावना रहिछि। आपण कहिथिबा कटुवचन आपणंक पई समस्या सृष्टि करिब किंतु आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आकस्मिक धनलाभर जोग रहिछि एवं आपणंक आयरे मध्य वृद्धि घटिब। श्वास संबंधित रोगी माने सावधान रहिबा उचित एवं स्वास्थ्य नियमर पालन करंतु। आज आपण वृद्ध लोकंकु साहाज्य करंतु शुभफल पाइबे। कुंभ राशि आज समस्त वर्गर छात्र छात्री मानंक पई समय सर्वोत्तम रहिछि। आपण एही समय रे निज शिक्षा एवं भविष्यत को एक नूतन दिग देई पारिबे। कार्य क्षेत्र रे आपण नूतन उद्भावन एवं आविष्कार माध्यम रे बड़ परिवर्तन करिबे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिवाहित करिबे किंतु बड़ भाई भौणी एवं वरिष्ठ परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु। पितामातांकर पूर्ण समर्थन आपणंक उपरे लागि रहिब एवं पतिपत्नीक मध्यरे संपर्करे घनिष्ठता आसिब। आर्थिक स्थिति आपणंक सपक्षरे रहिछि एवं धनार्जन संबंधित आपणंक प्रयास सार्थक सिद्ध हेब एवं आपणंक कार्यशैली सकारात्मक परिवर्तन आणिबा पई एही समय आपणंकु एक सुवर्ण सुजोग प्रदान करिब किंतु स्वास्थ्यावस्था रे पेट संबंधित समस्या आपणंकु हैरान करि पारे। सेथिपई खाद्यपेयर विषय ध्यान रखंतु एवं स्वास्थ्य नियमर पालन करंतु।
आज आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। मीन राशि एहि अवधि रे आपणक द्वारा करा जायथवा प्रयास भविष्यतरे आपणक धनलाभ तथा संपत्ति अर्जनर कारण हेबो, किंतु क्रोधरे नियंत्रण बजाय रखंतु। कौनसी गुप्त शत्रु आपणकु विचलित करि पारे, जे कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य दिनर द्वितीयार्धरे करंतु सफलता पाइबे। विदेशरे वाणिज्य करथुवा व्यक्तिंकु शुभ समाचार प्राप्ति हेब, एवं पारिवारिक जीवनरे गृहर साजसज्जा ओ रक्षणबेक्षणरे आपण व्यस्त रहिबे। अनावश्यक वस्तु क्रय करी आपण खर्चांत हेबे, किंतु परिवार सदस्यक सहयोग प्राप्ति हेब। केतेक घरोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खराब होई पारे, एवं आज कौनसी अनावश्यक कार्य हाथ को नियंतु नहीं, एवं समयर सदुपयोग करंतु। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिछि, किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। जे कौनसी विपदपूर्ण कार्य करिबा समय रे किंबा जानवाहन चलाचल रे विशेष सावधान रहंतु, अन्यथा दुर्घटनार संभावना रहिछि। आज आपण ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्रर जप करंतु, शुभ फल पाइबे। बंधुगण, एहा थिला आजिर राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपणमानंकु भल लागिथाय लाइक शेयर ओ कमेंट करि जणंतु, एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।